हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ट्रेड वॉर्स। सो डेट है आज 30th ऑफ मे एंड द टाइम इज 11:20 गाइस। सो गाइस, यू कैन सी कि मार्केट जो है, अगर हम निफ्टी की बात करें तो बहुत ही बड़ा एक गैप अप हुआ और वहां से मार्केट और 1% ऊपर गया, मतलब कि ऑलमोस्ट 2% आज हाई है निफ्टी। एज आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू इन द लास्ट वीडियो कि मार्केट में भी अभी वही सीन बन रहा है जो बैंक निफ्टी में बना हुआ था। एंड एग्जैक्टली यू कैन सी कि यहाँ से मार्केट ने बहुत ही अच्छा मूव दिखाया है, दिस वन। ओके, सो आई वॉज ऑलरेडी यू नो काइंड ऑफ होपिंग कि यहाँ से मार्केट अच्छा सा ब्रेकआउट देगा, बट आज मार्केट ने ब्रेकआउट तो नहीं दिया, सीधा गैप अप ओपनिंग हुआ और यहीं से मार्केट शूट कर रहा है ऊपर की ओर, राइट। सो एज वी एक्सपेक्टेड कि मार्केट जो है अब बुलिश होने वाला है। एंड निफ्टी ने क्या किया हुआ है, अपने 16,000 से लेकर 16,500 को भी ब्रेक कर दिया है एंड अभी फिलहाल 16,680 to 16,700 के आसपास मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है, राइट। थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम में चल के देखें अगर हम मार्केट को, तो मार्केट जो है अभी एकदम स्ट्रेच हो चुका है, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पर थोड़ी बहुत ट्राई किया होल्ड करने के लिए लेकिन वहाँ से फिर ऊपर चला गया, अब यहाँ पर मार्केट होल्ड कर रहा है, राइट। सो फिलहाल इसमें अभी हम ट्रेड नहीं करेंगे, थोड़ा सा जस्ट ओवरऑल एक बार हम व्यू कर लेते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है। ओके, सो दिस वॉज द निफ्टी। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी 1.18% करीब करीब ओपन हुआ है हाई, और यहाँ पर अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ 5 मिनट की टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो निफ्टी जो है वो ट्रेंड नहीं है, मार्केट में गैप अप ओपनिंग जरूरी है, राइट। 1% के आसपास लाइक वो ओपन हुआ है बट उसके बाद मार्केट ऊपर नहीं गया, जस्ट साइडवेज यहाँ पर बिहेव कर रहा है बैंक निफ्टी। कंपेयर टू निफ्टी, निफ्टी बहुत ऊपर की तरफ शूट कर रहा है अच्छे से, राइट। लेकिन बैंक निफ्टी साइडवेज है और अभी कहाँ पर 36,000 के लेवल पर। एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट वीडियो कि मार्केट में इस वीक में या तो मे बी नेक्स्ट वीक में 36,000 भी अगर अचीव हो जाएगा तो इट वॉन्ट बी यू नो एनीथिंग न्यू, इट वॉज फॉर श्योर कि मार्केट जो है अब 35,000 तो क्रॉस कर ही देगा, 35,500 का भी क्रॉस कर देगा एंड 36,000 ऑल्सो कैन बी अचीव्ड। एंड यू कैन सी टुडे कि मार्केट जो है उसने 36,000 को भी अचीव कर लिया है। यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर अगर आप मैं इसको ये ट्रेंड लाइन को अगर मैं इस तरीके से बनाता हूँ और ये जो रेजिस्टेंस जोन है उसको भी मैं अगर इसको इस तरीके से मार्क कर लूँ तो यहाँ पर आपको एक क्लियरली एक पैटर्न दिख रही है, इस पैटर्न को बोलते हैं असेंडिंग ट्राइंगल, राइट। असेंडिंग ट्राइंगल क्या होता है, लाइक दिस, मार्केट यहाँ पर है और इस तरीके से जा रहा है लाइक दिस, और असेंडिंग ट्रायंगल का हमेशा ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होता है, रिटेस्ट होता है, फिर आगे ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, राइट। दिस इज व्हाट हैपेंस विद असेंडिंग ट्रायंगल। अब हम क्या करने वाले हैं, व्हाट विल डू, निफ्टी जो है वो तो बहुत ही अच्छे से ट्रेंड में है, बैंक निफ्टी यहाँ पर साइडवेज है, उसका कुछ भी कह नहीं सकते। सो आज भी अगर हम यू नो ट्राई करें तो आई थिंक निफ्टी में अच्छे से हमें कोई एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या तो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी या फिर बाइंग अपॉर्चुनिटी। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम फिबो लगाकर एक बार हम चेक करें यहाँ से लो से लेकर ये हाई तक, तो प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई कि मार्केट ने एकदम स्ट्रेच किया हुआ है, यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आ सकता है लाइक यहाँ तक, उसके बाद मार्केट जो है अपना ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू कर सकता है। सो या तो हम इसको कैप्चर कर सकते हैं या फिर यहाँ पर एंट्री करके इसको कैप्चर कर सकते हैं, राइट। सो हाल फिलहाल कुछ भी कहना मुश्किल है, थोड़ा सा मैं लेट जरूर हूँ मार्केट में, 11 बजे के बाद आज मैंने जस्ट कंप्यूटर को ओपन किया हुआ है, सो मॉर्निंग में मैंने मार्केट को अच्छे से ऑब्जर्व नहीं किया हुआ है। सो गाइस, एक काम करते हैं, मार्केट को ऑब्जर्व करते हैं, थोड़ी देर और वेट करते हैं, देखते हैं कि कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है या नहीं मिलती है एंड उस हिसाब से फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ, राइट। चलिए वेट करते हैं। ओके गाइस, 12:06 हो चुके हैं एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये एक असेंडिंग ट्राइंगल है एंड उसका ब्रेकआउट हमेशा ऊपर की तरफ होता है, बट आई वॉज वेटिंग कि इतनी जल्दी मार्केट सस्टेन नहीं करेगा ऊपर की तरफ, मार्केट ऊपर ब्रेकआउट दिया, आई डिड नॉट रिएक्ट एट ऑल, मुझे यहाँ पर बाय नहीं करना था, दैट वॉज फॉर श्योर, ना ही मुझे यहाँ पर शॉर्ट करना था क्योंकि मार्केट एकदम साइडवेज थी, राइट। यहाँ पर लोगों के स्टॉप लॉस लिए और वापस यहाँ पर इसने अभी जस्ट ब्रेकडाउन दिया हुआ है और वो भी ऐसा वैसा ब्रेकडाउन नहीं है, ये ब्रेकडाउन के साथ मार्केट ने 36,000 को सस्टेन ना करके उसके नीचे आ रही है मार्केट, राइट। सो मार्केट 36,000 के नीचे 2-3 बार आया बट बार बार यहाँ पर बायर्स जो थे ना उसको ऊपर की तरफ खींच के लेकर जाते थे मार्केट को, और 36,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन भी करता था थोड़ी देर लेकिन वहां पर अगेन सेलर आ जाते थे और वहां से मार्केट को शॉर्ट कर देते थे। सो यही सिनेरियो मैं कब से देख रहा हूँ कि मार्केट में 36,000 इज द की लेवल जहां से मार्केट ना ऊपर जा पा रहा है ना नीचे सस्टेन कर पा रहा है, राइट। एक और चीज बता दूं आपको मैं बैंक निफ्टी की, वो है ऑप्शन चेन, ये रही ऑप्शन चेन, उसका अगर मैं डेटा को रिफ्रेश कर देता हूँ थोड़ी देर, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 36,000 के ऊपर चेंज इन कॉल वाई अगर देखें तो दोनों में इंक्रीमेंट हुआ है, प्लस अगर नेट वाई देखें तो 36,000 में ही कॉल और पुट दोनों हाईएस्ट है, मतलब कॉल में भी शॉर्टिंग चल रही है, राइटिंग चल रही है, पुट में भी राइटिंग चल रही है, इसी वजह से मार्केट जो है आज यहाँ पर साइडवेज बिहेव कर रहा है, राइट। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, आई थिंक मैं यहाँ पर एक शॉर्ट प्लान कर रहा हूँ ट्रेड, क्योंकि इसने ये ब्रेकडाउन दिया हुआ है ऊपर की तरफ, जो स्टॉप लॉसेस थे यहाँ पर वो मार्केट ने ले लिए हैं, अब मार्केट के पास यहाँ पर लिक्विडिटी है,
यहाँ पर भी थोड़ी सी लिक्विडिटी है राइट, एंड प्रोबेबली मार्केट जो है थोड़ा और नीचे आकर के ये जो गैप है वो भी फिल कर दे राइट मे बी। सो यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रेड प्लान किया जा सकता है एज पर दिस यू नो सिनारियो। एंड अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी जो है वो बुलिश है, बहुत ही ज़्यादा बुलिश है, यहाँ से एकदम स्ट्रेच जरूर हो चुका है, होल्ड कर रहा है और वापस से ऊपर की तरफ जा सकता है। एक चीज़ मुझे निफ्टी में देखने को मिली वो है ये, देखिए ये क्या है, ये RSI है ठीक है। अब RSI क्या बताता है हमें, हमें बताता है कि वो स्ट्रेंथ कितनी है मार्केट में ठीक है। अब यहाँ से मार्केट गया इस तरफ ऊपर नीचे आया, अगेन हाई को ब्रेक करके यहाँ तक सस्टेन कर रहा है, मतलब कि मार्केट में इस तरीके के मूव चल रहा है। और RSI को अगर आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ से इस तरीके से है, इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस, ये बुलिश डाइवर्जेंस है कि मार्केट बुलिश है लेकिन RSI में कोई स्ट्रेंथ इंडिकेशन नहीं हो रहा है, RSI एकदम वीक है राइट। इसका मतलब है कि मार्केट जो है ऊपर, यहाँ पर स्ट्रेंथ थी मार्केट में यहाँ तक, लेकिन अब यहाँ पर मार्केट ने अपना जो मोमेंटम है, अपना जो स्ट्रेंथ है वो लूज कर दिया है। सो प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई कि मार्केट यहाँ तो यहाँ पर साइडवेज रहेगा थोड़ी देर और ब्रेकआउट देगा उसके बाद सेकंड हाफ में लाइक 1 o'clock के बाद, या फिर मार्केट क्या करेगा, ये ऊपर गया थोड़ा सा साइडवेज हुआ नीचे आया सेलर्स को ट्रैप किया, फिर यहाँ से ऊपर अपना जो मेन ट्रेंड है उसको कंटिन्यू कर सकता है राइट। सो यहाँ पर आज हम यहाँ तो ट्रेड ना करें वही बेहतर रहेगा, क्योंकि हमें अपने हिसाब से अपने कंफर्टेबल जोन के हिसाब से कोई पर्टिकुलर ट्रेड नहीं मिल रहा है। हालांकि बैंक निफ्टी में ट्रेड जरूर हमें हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अपना जो RR रेशियो है ना वो बहुत ज्यादा डैमेज हो सकता है कि यहाँ पर 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस और फिर नीचे सिर्फ यहाँ तक कि कुछ टारगेट लगा सकते हैं हम, इससे ज्यादा टारगेट हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। एक काम कर सकते हैं कि अगर हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर चले तो यहाँ पर मार्केट जो है इस तरीके से नीचे आ जाए, 36,000 को ब्रेक कर दे, ऊपर यहाँ पर रिट्रेसमेंट करे, और वो रिट्रेसमेंट होना चाहिए कितना 50%, यहाँ से हम करेंगे तो ये अगर 50% तक रिट्रेस करते हैं वापस, फिर हम यहाँ से मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं, ये एक सिनारियो बन सकता है। सो अगेन लेट मी टेल यू कि अभी भी मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया हुआ है, यहाँ पर बास्केट जरूर बना के रखा है एक दो मैंने, बट अगर हम पोजिशन पर चले तो यहाँ पर कोई भी ट्रेड मैंने नहीं लिया हुआ है। अगर कोई ट्रेड वगैरह लेता हूँ तो फिर मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ, कोई अच्छा सा ट्रेड सेटअप मिल जाए तो फिर मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ राइट। चलिए वेट करते हैं। ओके गाइस, यहाँ पर 1:48 का टाइम हो चुका है, मतलब कि ऑलमोस्ट 2 बज रहे हैं एंड अभी भी यहाँ पर हमने कोई ट्रेड नहीं लिया हुआ है। रीजन इज वेरी सिंपल कि यहाँ पर हमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, यहाँ से मार्केट ऊपर गया और उसके बाद मार्केट इज काइंड ऑफ इन साइडवेज मूड में है यहाँ पर ओके। एंड बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी वही कर रहा है सेम टू सेम, ये साइडवेज, हालांकि जो हमने मॉर्निंग में बताया था ना कि ये पैटर्न में ये फोर्स ब्रेकआउट देकर के फिर मार्केट नीचे आ जाएगा, तो वो एक अपॉर्चुनिटी जरूर थी बट मुझे वहां पर कोई मल्टी कंफर्मेशन नहीं मिल रहे थे ना, इसलिए फिर मैंने यहाँ पर इस ट्रेड को अवॉइड किया। अदरवाइज आई वॉज सपोज शॉर्ट फ्रॉम हियर, यहाँ पर स्टॉप लॉस और ये मेरा टारगेट रहता, इजिली मिल भी जाता, बट यहाँ पर मुझे कोई मल्टी कन्फर्मेशन नहीं मिल रहे थे। यू नो मुझे चाहिए 2-3 रीजन्स, एक स्टोरी चाहिए कि मैं यहाँ पर क्यों बाय या तो सेल कर रहा हूँ किसी भी इंडेक्स को राइट। सो दैट्स वाई यहाँ पर फिर मैंने देखा कि अब मैं यहाँ से फिबो लगा करके चेक करूंगा कि क्या मुझे यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलती है 50% पर। सो आई वॉज अबाउट टू सेल अगेन अराउंड हियर, बट फिर मैंने निफ्टी को देखा तो निफ्टी में बुल्स आर वेरी एक्टिवेटेड एंड बहुत स्ट्रॉन्ग है आज बुल्स, तो मार्केट नीचे नहीं आने दे रहे निफ्टी को। सो इन द सेम वे बैंक निफ्टी में वही हो रहा है, मार्केट को नीचे नहीं आने दे रहे हैं ज्यादा। सो मार्केट ने क्या किया, यहाँ से नीचे आ गया, ये लिक्विडिटी क्रिएट कर दी, ये स्टॉप लॉस लेकर के मार्केट फिर यहाँ पर साइडवेज बिहेव कर रहा है राइट। सो आई वॉज वेटिंग कि कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो ट्रेड करते हैं, बट यहाँ पर हमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है एज ऑफ नाउ। एंड इट इज बेटर कि अगर आपके पास आपके कंफर्टेबल जोन के हिसाब से कोई एंट्री या कोई ट्रेड सेटअप अच्छे से नहीं मिल रहा है, सो इट इज बेटर टू अवॉइड ट्रेडिंग ऑन दैट पर्टिकुलर डे राइट। वही चीज हम आज करने वाले हैं, 2 बज रहे हैं, अब मार्केट में ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पोजीशन दिखा दूं मैं आपको, रिफ्रेश कर देता हूँ, यहाँ पर मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया हुआ है। सो इट्स फाइन, आज मंडे है, कोई बात नहीं, मार्केट थोड़ा एस्टैब्लिश हो जाए अच्छे से प्रॉपरली ठीक है, सेटअप हो जाए, फिर हम कल देखते हैं किस तरीके से ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलती है। मे बी कल आई थिंक मैं बिजी हूँ, कहीं बाहर जा रहा हूँ, अगर मॉर्निंग में ज़्यादा लेट हो जाएगा तो आई थिंक कल भी मैं ट्रेडिंग नहीं कर पाऊंगा, तो सीधा वेंसडे को आएगा वीडियो, फिर वेंसडे को देखते हैं क्या होता है। टुमारो अगर मैं जल्दी फ्री हो जाता हूँ और वापस आ जाता हूँ जल्दी से, तो फिर मैं सेकंड हाफ में आई ट्राई माई बेस्ट टू यू नो फाइंड अ गुड अपॉर्चुनिटी, एंड अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई देन विल ट्रेड ओवर देयर ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।